पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनते ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में हैं, तो वहीं बुलडोजर को लेकर भी जगह जगह रुझान आने शुरू हो गए हैं। अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पागबड़ा स्थित डीगरपुर रोड का है, जहां पर महलकपुर माफी के रकबे में मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण है, जहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को कार्रवाई की गई। बाबा जी का बुलडोजर एक बार फिर से तेजी से गरजा और अवैध प्लॉट को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष का कहना है कि मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर लगातार जनमानस को आगाह किया जा रहा है और जनमानस से अपील भी की जा रही है कि भवन निर्माण कराने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य करा लें। बार बार कहने के बाद प्राधिकरण के नियमों की लगातार अनदेखी लोग कर रहे हैं। अब ऐसी अनदेखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुनियोजित विकास के लिए जरूरी है कि सभी लोग सहयोग करें। लगभग 200 स्क्वायर मीटर की लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड था, वहाँ पे एक्टिविटी अनुमन्य नहीं रहती है एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटी चलने लग गई थी। इसके लिए नोटिस भी दिया गया था और बहुत समय दिया गया था, सुनवाई भी की गई, दो तीन हियरिंग भी हुई थी, परंतु उनमें कोई पक्ष अपनी बात सही से नहीं कर पाया, नहीं कह भी पाया, जिसकी वजह से आज जनवरी महीने में उसका डिमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया था, उसका क्रियान्वयन आज किया गया है। ये कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे अनुमन नहीं था, और मैं मुरादाबाद वासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पहली पॉइंट ये है कि जो भी आप निर्माण कर रहे हैं अप्रूव कॉलोनी में या जो भी अपने क्षेत्र में, उसका मानचित्र स्वीकृत करा लीजिए, तो उसमें आगे कोई कठिनाई नहीं आएंगी। उसके अतिरिक्त अवैध कॉलोनियों में कोई भी निर्माण ना करें, क्योंकि वहाँ पे कोई नक्शा पास नहीं हो पा रहा है अभी के लिए। तो अनुरोध रहेगा कि कोई भी नया लैंड या कोई ज़मीन या प्लॉट जब भी खरीद रहे हैं, तो प्राधिकरण से एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए कि ये अवैध है या वैध है, ये कॉलोनी सही से इसमें नक्शा पास हो सकता है नहीं सकता है, उसके उपरांत ही अपने कार्य आगे बढ़ाएं, ताकि आगे कोई उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।